दोस्तों आज ही के दिन MRF का नंबर भी पोस्ट कर चुका है, तो देख सकते हैं मार्केट का रिएक्शन। सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि 3.5 से लेकर 4% का तेज़ी के साथ अभी के टाइम MRF चल रही है, ठीक है। और पॉइंट की बात करें तो 3800, बाप रे बाप, 3800 रुपये सिर्फ एक ही दिन में जम दिखाई दिया है इस कंपनी पर। तो वाकई में बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते कंपनी का नंबर कैसा आया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, तो सारे फिगर इन करोड़ में लिखा हुआ है MRF लिमिटेड। तो ये रहा अगले साल का डेटा, और ये अगले क्वार्टर, और ये अभी के टाइम। तो सबसे पहले बात करूंगा टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम देख सकते हैं 5,700 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 6,500 करोड़। और क्वार्टरली बेस पे बात किया जाए तो 5,900 करोड़ से भी बढ़ के हो चुका है 6,514 करोड़। यानी टोटल इनकम में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल गया है कंपनी के अंदर। और इसके साथ ही साथ खर्चे की बात करें तो खर्चा भी एक ही प्रोपोर्शनेट पर बढ़ने वाला है। तो टोटल खर्चा कितना, 5,560 करोड़ से भी बढ़ के 5,700 करोड़, और 5,400 करोड़ से भी बढ़ के 5,700 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस खर्चा थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिल चुका है। तो सब कुछ काट कूट कर, टैक्स वैस सब कुछ काट कूट कर कितना प्रॉफिट निकल कर आ रहा है कंपनी के अंदर, तो देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, 123 करोड़ का प्रॉफिट था अगले साल, जबकि अभी के टाइम कितना बढ़ के हो चुका है देख सकते हैं 588 करोड़। बाप रे बाप, कितना बढ़िया नंबर पेश कर चुका है MRF ने इस बार। तो अगले क्वार्टर में कितना था, 340 करोड़ तभी से बढ़ के कितना हो गया, 580 करोड़, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा खासा नंबर पेश कर चुका है, इसी वजह से मार्केट का रिएक्शन भी बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं परसेंटेज की बाइस से बात करूँ तो MRF का नंबर वो ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 370% का जम दिखाई दिया है नेट प्रॉफिट पर। बेसिक EPS की बात करें लास्ट में, तो देख सकते हैं EPS कितना था, 290 रुपये, जबकि अभी के टाइम 1380, और अगले क्वार्टर में 803 का EPS था जबकि अभी के टाइम 1380। तो बहुत ही अच्छा खासा नंबर पेश कर चुका है MRF लिमिटेड। तो चलिए देख लेते हैं आगे कैसा इसका मूवमेंट रहता है।